हमीरपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह और उनके राजनीतिक सलाहकार अभिषेक राणा के समक्ष बिलासपुर और हमीरपुर जिला के युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। विक्रमादित्य ने हार पहनाकर युवाओं को पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की 24 दिसंबर की रैली के लिए पूरे प्रदेश से युवाओं का आना तय है। बहुत समय से ये कांग्रेस पार्टी इस सीट को नहीं जीती है, तो निश्चित तौर से बहुत से उत्सुक नेता होंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में, जैसा मैंने आपको कहा कि हम फिर से वहाँ के जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं उनका एक प्रॉपर आकलन करेंगे और उसमें से जो सबसे मजबूत नेता निकल कर आता है उसे कांग्रेस पार्टी का टिकट इन विधानसभा चुनावों में दिया जाएगा। बीजेपी में अनडिस्प्यूटेड लीडर धूमल साहब है और कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय है, तो हर कोई भी कंटेस्ट प्रदेश में कहीं भी होता है, तो इट इज सीन एज अ कंटेस्ट बिटवीन द टू लीडर्स। मगर जहां तक इस पर्टिकुलर विधानसभा चुनाव के इलेक्शन की बात है, ये कोई सेमीफाइनल नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो सीट है ये धूमल साहब, ये बीजेपी के पास ही थी। पिछले करीबन 6 टर्म से माननीय स्वर्गीय आईडी धीमान जी यहाँ से विधायक थे, मंत्री थे, तो निश्चित तौर से हर पार्टी का कोशिश रहती है कि हम उसको जीतेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे। हमें लड़ाई लड़ने से कोई डर नहीं है। अगर चुनाव घोषित होते हैं तो कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मगर ये कहना कि ये कोई सेमीफाइनल विधानसभा चुनावों के लिए होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो सही पॉलिटिकल कैलकुलेशंस नहीं है।